कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा होता है। मैं कमेंट करूंगा अभिषेक का, अभिषेक कभी नहीं जाने, बुलडोजर बाबा का कोई तोड़ है अखिलेश यादव के पास? अभिषेक लास्ट कमेंट आपका, क्या तैयारी है, कैसे सामना करेंगे बुलडोजर बाबा का? देखिए सुमित जी, उत्तर प्रदेश के जो हाल में जो चुनाव हुए हैं उसकी जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को, अमित शाह जी को, मायावती का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए और ओवैसी साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहिए, अन्यथा ये 40-50 सीटों पर सिमट कर रह जाते। और मायावती आपको ब्लेम कर रही है, मायावती को ब्लेम कर रहे हैं, ये तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे हो गया। मायावती आपको बोल रहे हैं कि आप बी पार्टी बी टीम है उनकी, ये सब भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। एक बात मान लीजिए अभिषेक, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बीजेपी के पास जैसे कड़े चेहरे और कड़े व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, उसका सामना करने के लिए विपक्ष के पास रणनीति होनी चाहिए जो कि अभी नहीं दिखाई दी है। अभी भी वक्त है, 2024 में सुधरना चाहते हैं तो सुधार लीजिए, गियर बदल लीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बुलडोजर तो निकल पड़ा है और न जाने कहां जाके रुकेगा। सुमित जी डायल 100 कौन लेके आया था उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? देखिए छोटे छोटे झगड़े होते थे तो पुलिस पे कोई साधन नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को मजबूत करने के लिए डायल 100 लेके आए और उसका भी एक अपग्रेड वर्जन था, स्कॉटलैंड पुलिस को का एक पूरा उसका हम लेके आने वाले थे जिसमें। चलिए ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं हम समझ रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।